हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्लेटी एलिमेंट फिश के बारे में। भाई, एक एक मिनट में एक एक फाइलम खत्म हो रहा है, ध्यान से पढ़ना। इसका कॉमन नेम होता है फ्लैटबॉम, क्योंकि इनमें जो है डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। उसके बाद जो है ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं एनिमल्स के अंदर। इनके अंदर हुक और सकर प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में, ठीक है। इनकी स्पेशलाइज्ड सेल इनके अंदर होती है प्लैंक सेल या सोलेनोसाइट। इनका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन का और एक्सक्रिएशन का। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब की लार्वा स्टेज इनमें भी होगी। वेरी गुड। फिर इनमें जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। एग्जांपल की बात करें, टैपबॉम होता है, लीवर फ्लुक होता है और प्लेनेरिया होता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, प्लेनेरिया में जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जितने पार्ट में काटोगे उतने नए एनिमल बन जाएंगे।